सुनने वालों, टिंगलिंग लिंग लिंग लिंग, आज बनेगी मैगी। और मैगी भी कौन सी, लेमन मैगी। लेमन मैगी बनाएंगे और आपको खिलाएंगे, दिखाएंगे कैसे बनती है। और मैगी के बारे में मैं ये कहूँगा, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं मैगी के साथ भाई, मैंने राजमा वाली मैगी तक बनाई हुई है। तो आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ना कुछ मैगी से रिलेटेड दिखाता रहूँगा। आज आपके लिए पेश है लेमन मैगी। और मैगी बनाने से पहले आपको एक खास ज़रूरी चीज़, अगर आप इस लॉकडाउन में नए बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस स्क्रीन पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर स्प्लैश करेगा, उनको कॉन्टैक्ट करिए। दिल्ली NCR में कहीं भी हैं, आपके घर डिलीवर हो जाएगा। घर से निकलने की ज़रूरत नहीं इस महामारी में, कोरोना वायरस में, इस लॉकडाउन में। घर पर रहिए, सेफ रहिए और फटाफट मेरे साथ किचन में चलिए, क्योंकि अब बननी है लेमन मैगी। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल ले लेना, और इसका थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है, सबसे पहले इसमें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और उसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा, छोटा छोटा काटा है। और इस ऑयल में थोड़ी देर इसको प्याज को भुनने देते हैं। जब प्याज, ये देखिए, हल्का हल्का जब ब्राउन होना शुरू हो तब तक इसको भुनना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ जा रही है वो है जिंजर गार्लिक। मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है 1 चम्मच, और इसे अच्छे से इस प्याज में भून लेना। जब ये जिंजर गार्लिक की पेस्ट थोड़ी भुन जाए प्याज में, तो हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज की हरी मिर्चें काट के इसमें डाली है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर भुनने देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ये मैंने छोटा सा टमाटर काटा है, टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर इसको पकने देना है। जब टमाटर थोड़ा सा भुन जाए तो हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप बिल्कुल ध्यान रखना इसलिए क्योंकि हम बना रहे हैं मैगी। मैगी मसाला में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक का जो आप डालोगे वो थोड़ा ध्यान से डालना। टमाटर प्याज अब काफ़ी भुन गया है, हमने बिल्कुल जैसे ग्रेवी बनाते हैं वैसे टमाटर प्याज पूरा नहीं भुनना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा खड़ा रहने देंगे। अब उससे कि 50-60% आप इसको करिए, और जब ये हो जाए तो ये मैंने गाजर और शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी है ये डाल देनी है इसमें। गाजर शिमला मिर्च के बाद ये सेज़वान सॉस है। मैं लाल मिर्च नहीं डाल रहा, टमाटो केचप नहीं डाल रहा, मैं ये सेज़वान सॉस डाल रहा हूँ। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छा है, इसका एक अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अदरवाइज़ आप थोड़ी सी टमाटो केचप, लाल मिर्च डाल के थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। दो मिनट पकाने के बाद, सेज़वान सॉस के बाद, हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप मीन्स कि हमने 2 मैगी डालनी है इसलिए 2 कप पानी। और इसमें अब ये मैगी निकाल के बिना ही तोड़े इसको ऐसे डाल देना है।
अब जो दो पैकेट हमने मसाला डाल देना इसमें, मैगी मसाला सेम वही, दोनों पैकेट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैगी अच्छे से पक जाए इसमें हम एक एग डालेंगे और इसको अच्छे से एग को मैगी के साथ पका लेंगे। तो जब इसमें अच्छे से पक जाए एग और मैगी, इसमें हम एक लेमन डाल लेंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये तैयार है सर्व करने के लिए। ओहो, और ये मैगी देखिए क्या शानदार मैगी लग रही है, वेजीज और ऊपर थोड़ा सा एग और नींबू निचोड़ के। चाहे तो आप अंडे को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते, लेकिन अगर खाते हैं तो ये ज़रूर ऐड करके नींबू निचोड़ के इसको एंजॉय करें। आज मैंने आपके सामने कुछ अलग नया पेश किया है। हर बार मेरी शौकीन शेफ में यही कोशिश है कि जो कुछ हट के आपके सामने पेश किया जाए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही वो फोटो ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के कॉर्नर में मेरे दोनों हैंडल्स आपको मिल जाएंगे, जाइए बनाइए शेयर करिए और मैं अपने इंस्टा फेसबुक पे वो फोटो ज़रूर शेयर करूँगा। और होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी ही और बहुत सारी कुछ अलग अलग डिफरेंट आपके सामने पेश करता रहूँगा। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, थैंक्स से पहले घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने आसपास वालों को सेफ रखिए और सफाई बना के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।